हाँ मैगजीन के बारे में मैं एडवांस से मैगजीन तो ले निकल गया। मैगजीन क्या समझते हो कि कागजों में ही निकलनी चाहिए है? कागजों में जो मैगजीन निकलती है वही मैगजीन है क्या? कोई कहते हैं बाबा हमको चिट्ठी भी नहीं लिखते, तो बाबा समझाते हैं तुम्हारे पास जो मुरली जाती है डेली वो बाबा की चिट्ठी नहीं है क्या? मुरली को ध्यान से पढ़ें, सर्विस का समाचार निकलता ही रहता है। अभी सर्विस डल हो रही है या अच्छी सर्विस हो रही है? शुरुआत में जब बंबई वाले निकले थे एडवांस में तो सर्विस सतो प्रदान हो रही थी या तमो प्रदान हो रही थी? सतो प्रदान सर्विस थी। उस समय के निकले हुए अभी तक भी काम दे रहे हैं। इन सब बातों के समाचार क्या मुरली में नहीं आते रहते? नहीं आते? आते और वोई वोई प्रश्न बार बार करते रहते हैं वार्तालाप में। इससे क्या साबित होता है कि मैगजीन पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? हैं? नहीं पढ़ते हैं? हाँ बाबा, जो असुरों का जो खून होता है नीचे में गिरता है तो और असुर पैदा होते हैं। सब असुरों की बात थोड़े ही है। रक्त बीज नाम का जो असुर था उस असुर की बात है। वो इतना पावरफुल था ज्ञान का बीज डालने में कि जितना जितना संकल्पों का बीज गिरता था खून उतने ही असुर पैदा हो जाते थे। है खत्म क्यों नहीं होते? वो नीचे गिरने ही नहीं दिया जाए? ऐसे ही हुआ जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। जो काली का खप्पर है वो क्या करता है? है ऐसी विनाश ज्वाला भड़काता है, इतना टेंशन बढ़ता है कि बीज गिरते गिरते स्वाहा हो जाता है, बीच में ही भस्म हो जाता है। तो पैदाइश कहां से होगी? और हाँ बौद्ध धर्म को नहीं गिना जाता है बाबा? बौद्ध धर्म को नहीं गिना जाता है? बौद्ध धर्म वाले हट्टे कट्टे मोटे ताजे होते हैं और उनसे बाद में ट्यूब निकली सन्यासियों और सिखों की, वो भी हट्टे कट्टे मोटे ताजे होते हैं। चार मुख्य धर्म है, देवता, बौद्धि, इस्लामी और क्रिश्चियन, बाकी सब उनकी ट्यूब से हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि बौद्धियों में सन्यासी नहीं होते। पहले बौद्धि सन्यासी ही थे, इसलिए मुरली में बोला है सन्यासी क्रिश्चियन से कुछ पहले आते हैं। जब बौद्ध विहारों में
उन बौद्ध सन्यासी और सन्यासियों ने इकट्ठा रहना शुरू कर दिया तो व्यभिचार बढ़ गया और बौद्ध धर्म का पतन हो गया। फिर बाद में जब सन्यासी निकले तो नई ट्यूब निकल पड़ी। बाबा और एक चीज दुनिया में बोलते हैं सिम बिगाड़ा और काम बिगाड़ा करके। दुनिया में बोलते हैं बाबा आते हैं तो तीन मूर्तियों का सहारा लेते हैं। हाँ, तीन मूर्तियों का सहारा लेते हैं तो सारी दुनिया का काम बिगड़ जाता है या संभल जाता है। बिना चेतने। हाँ तो जो कहते हैं उनका विनाश भी हो जाता है। दुनिया वाले कहते हैं कि ज्ञानी कहते हैं तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा है दुनिया में कहते हैं। बाप के बच्चों का तो काम नहीं बिगड़ता। जो कहते हैं उनका काम बिगड़ता है इसलिए वो उनमें ये कहावत चल रही है। और प्रश्न आया है जय शिवाजी जय भवानी ऐसे कहने से आज भी रोमांच खड़े हो जाते हैं। ये भक्ति मार्ग है क्या? जय विजय या हार भगवान की होती है या भगवान के बच्चों की होती है? है भगवान के बच्चों की जय भी होती है और भगवान के बच्चों की हार भी होती है। तो ये जो भवानी है और जो शिवा है शिवाजी है ये भगवान के बच्चे हैं या भगवान है? बच्चे हैं। माया से जब युद्ध होता है तो माया बच्चों को हार खिलाती जाती है। जब तक फाइनल रिजल्ट ना निकले तब तक हार और जीत का खेल चलता ही रहता है। तो जय भवानी जय शिवाजी ये कहने वाले शिवाजी के फॉलोअर्स होंगे, भवानी के फॉलोअर्स होंगे या शिव बाबा के फॉलोअर्स होंगे? है किसके फॉलोअर्स हुए? शिवाजी और भवानी के फॉलोअर्स हैं, उनको शिव बाबा के फॉलोअर नहीं कहेंगे। क्योंकि शिव बाबा जिसमें पार्ट बजाता है, नारायण कहो कृष्ण कहो संगम युग में एक नारायण ही ऐसा पार्टधारी है जो कभी भी हार नहीं मानता। उसकी हार होती ही नहीं। अगर हार भी कहीं होती है जैसे पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं तूफान आ जाता है तो पहाड़ी के नीचे शेल्टर लेकर के रुकना पड़ता है। उसको हार मान लें क्या? तो ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। शिव बाबा की हार होने का सवाल ही नहीं। और नारा क्या है बाबा के बच्चों का? बच्चों के लिए बाबा का नारा क्या है? नहीं,
विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या तुमने जो जन्म लिया है भगवान से, उस जन्म में ही नुदा हुआ है तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार, हार होने की बात ही नहीं। साइकिल पर सवार होने वाला बार बार गिरता है और झट से चढ़ करके गद्दी पर बैठ जाता है, तो देखने वाले ये कहेंगे ये हार गया है, या वो अंदर से समझता है कि मैं हार गया? नहीं, हारा तब कहा जाता है जब अंदर से दिल से हार जाता है। और एक और प्रश्न है, शिवाजी महाराज कोई भी घटना होने के बाद जगदम्बा हृदय के ऊपर हाथ रखकर कहते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष लड़ाई के समय हर हर महादेव कहते हैं, क्यों? जगदम्बा का नाम कब लेते हैं? जब कोई ऐसी वैसी घटना घटित हो जाती है तो दिल पर हाथ रख कर कहते हैं जय जगदम्बे या जगदम्बा, जैसे हिंदुओं में कहते हैं हाय राम। लेकिन जब लड़ाई का टाइम होता है, लड़ते हैं तो क्या कहते हैं? हर हर महादेव। क्यों? है? क्योंकि जगदम्बा ने भी जब मार काट मचाई थी तो मस्तक में कौन दिखाया हुआ है? महादेव का चित्र दिखाया हुआ है, महादेव को ही याद करती है, तब ही कार्य संपन्न होता है। मुसलमान लड़ाई लड़ते समय कहेंगे अल्लाहु अकबर, और हिंदू क्या कहेंगे? हर हर महादेव। दिल के ऊपर हाथ कब रखा जाता है? है जब दिल धड़कता है तो हाथ रख करके दबाते हैं। ये दिल्ली रूपी दिल है कौन है? दिल्ली रूपी दिल जगदम्बा ही दिल्ली रूपी दिल है। पहले हाहाकार होगा, फिर जय जयकार होगा। पहले दिल्ली कब्रिस्तान बनती है, फिर बाद में परिस्तान बनती है। तो ये बुद्ध रूपी हाथ है,
दिल्ली को दिल कहा जाता है। ये प्रकृति बाप दादा का दिल है। जगदम्बा बाप दादा का दिल है। प्रकृति को ज्ञान चाहिए या दिल चाहिए? है प्रकृति को ज्ञान चाहिए या प्यार चाहिए? सच्चा प्यार चाहिए। तो किसी को प्यार किया जाता है बच्चे को तो हाथ से थपथपाते हैं। ऐसे ये ब्रह्मा भी बाप का प्यारा बच्चा है। वो ब्रह्मा ही जगदम्बा में प्रवेश करके पार्ट बजाता है। कहीं भी हार होती है या कोई ऐसी घटना घट जाती है तो हाथ रख करके उसको थपथपाया जाता है। हिम्मत नहीं हारना, जीत तुम्हारी होनी है, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और बाबा जो माँ के भक्त होते हैं वो सब असुर होते हैं, क्योंकि बाप को नहीं जानते। जो ब्रह्मा कुमार है, जो अपन को ब्रह्मा कुमार 20 बार उनसे पूछे तुम अपने बाप का तो नाम बताओ तो कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार। ब्रह्मा ही हमारी माँ है, ब्रह्मा ही हमारा बाप है। तो बाप का उनको पता है, पता नहीं है इसका मतलब मातेले हैं या सौतेले हैं? है सौतेले बच्चे हैं। बाप का नाम कोई नहीं बताता है तो अच्छा नहीं माना जाता है। असुर भी क्या नारा लगाते हैं, जय माता दी। पिताजी का नाम क्यों नहीं लेते, शर्म आती है क्या? जो भी सूपन खाए हैं, जो भी पूतनाए हैं, उनको शास्त्रों में दिखाया गया है नाक सीधी करके जहां चाहा वहां उड़ती रहती हैं, फिरती रहती हैं। कोई बॉडीगार्ड की उनको जरूरत नहीं है। विदेशों में भी कन्याएं बॉडीगार्ड को लेकर के चलती हैं या नाक उठा के इधर उधर घूमती रहती है। उनको कहते हैं सूपन खाए पूतनाए। उनसे जो पैदाइश होगी वो राक्षसी पैदाइश होगी या देवता पैदा होंगे? है राक्षस पैदा होंगे। वो राक्षस सबसे पहले तो पैदा करने वाली माता को ही दुख देंगे, इतना अति का दुख देंगे। अति करते हैं तो अंत में माता को ही महाकाली का रूप धारण करना पड़ता है। जो करेगा सो भोगेगा। बाबा हाँ, नौवें संबंध में शरीर छोड़ता है, नौवें संबंध में लौकिक फैमिली में कोई शरीर, हाँ दिया दिया, कोई शरीर छोड़ते हैं हाँ, तो उनका कुछ कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम लोग तो जो 13वीं करते हैं मरने के बाद, 14वां करते हैं, चौथा मनाते हैं, बरसी करते हैं, ये तो भक्ति मार्ग में करते आए हैं ना, है?
जो भक्ति मार्ग में करते आए हैं वो किसने सिखाया? भगवान ने सिखाया या गुरुओं ने सिखाया? गुरुओं ने सिखाया। अब हम जानते हैं कि गुरुओं ने जो कुछ कर्मकांड सिखाया, कर्म करना सिखाया, उन कर्मों को करने से हम नीचे गिरे हैं या ऊपर उठे हैं? नीचे गिरे हैं। अभी भगवान आकर के कहते हैं बुद्धि से समझो, तुम्हें बुद्धि 1000 नियामत मिली हुई है भगवान से जन्म से ही, उस बुद्धि से फैसला करो क्या करने से फायदा है, कैसे फायदा है, फायदा है या नहीं है। अगर फायदा दिखाई देता है तो वो कर्म करो, फायदा नहीं है तो कर्म करने से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी हो जाएगा। सोचना चाहिए कि हिंदुओं की तो दुनिया में थोड़ी जनरेशन है, क्रिश्चियंस की तो कितनी बड़ी जनरेशन है, कितनी पॉपुलेशन है, मुसलमानों की दुनिया में कितनी पॉपुलेशन है। और ये मुसलमान और क्रिश्चियन दुनिया में कितने धनाढ्य बने पड़े हैं हिंदुओं के मुकाबले। क्या वो ये कर्मकांड करते हैं? करते हैं, फिर भी धनाढ्य होते जा रहे हैं। है? हाँ, क्या करेंगे? तुम्हें डर लग रहा है कि तुम शरीर छोड़ोगे तो ये शरीर छोड़ने के बाद हमको कंधा लगाने नहीं आएंगे? हैं? डर लग रहा है? हाँ, क्यों नहीं डर लग रहा है? हाँ, वो कुछ भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपको तो उनके जवाब से डर नहीं लग रहा है, मत रहो। हाँ, चलो अभी तो कंधा लगाने के लिए 150 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, आगे चल के जब मौत का बाजार लगेगा तो कौन किसको कंधा लगाएगा? एटम बम फटने वाले हैं, सो नहीं दिखाई पड़ता, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स गिरने वाली हैं, ढेर के ढेर मरते रहेंगे, कौन किसको आग लगाएगा, कौन किसको कंधा लगाएगा, कौन किसकी बरसी करेगा, कौन किसका तेरवा करेगा और कौन खाने जाएगा? इस बात पे विश्वास नहीं है, है? है? फिर पूछते काहे के लिए बड़ी सभा में? और बाकी बाबा मना नहीं करते हैं भक्ति करने के लिए, आपकी दिल है तो ये भी करते रहो, जब पक्का अनुभव हो जाए कह रहे ये करते करते तो हम घाटे में जा रहे हैं तब छोड़ देना। इसलिए बाबा कहते हैं जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा तो भक्ति अपने आप छूट जाएगी। और
प्रश्न आया है, जिसके ऊपर अन्याय होता है तो बहुत कड़ी सजा सुनाते हैं अन्यायी के लिए। अभी उसकी क्या शूटिंग हो रही है ब्राह्मणों की दुनिया में? है? अरे कोई शूटिंग हो रही है या नहीं हो रही है? है? क्या शूटिंग होती है? जो श्रीमत के बरखिलाफ काम करते हैं, औरों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनकी अवस्था खराब नहीं होती? और अवस्था खराब होने से, मेंटेलिटी नीचे गिरने से अच्छे संकल्प आते हैं या दुष्ट संकल्प आते हैं? निगेटिव संकल्प आते हैं। दुष्ट संकल्प आने से जन्म जन्मांतर के लिए शूटिंग के हिसाब से भ्रष्टों के साथ जन्म मिलेगा या श्रेष्ठ आत्माओं के साथ जन्म मिलेगा? दूध दूध में जाकर मिलता है, पानी पानी में जाकर मिलता है, ये हिसाब है। यहाँ तो ईश्वरीय न्याय हो रहा है, वहां तो एक जन्म की कड़ी सजा देते हैं दुनिया में, और यहाँ तो जन्म जन्मांतर की कड़ी सजा मिल जाती है। जन्म जन्मांतर के लिए दास दासी बन पड़ते हैं। क्या बात है, बंबई वाले ठंडे पड़ते जा रहे हैं। बाहर वाले अकेले ही चार चार घंटे का वार्तालाप निकाल लेते हैं। बंबई वालों को माल बहुत मिलता है, इसलिए सब प्रश्नों का समाधान होता रहता है। जो बाहर वाले आते हैं उनको सब प्रश्नों का समाधान तो दूर, जो नई नई पार्टियां निकली हैं विपरीत बुद्धि बनाने वाली, उनका डोज ज्यादा मिलता रहता है, इसलिए बुद्धि खराब होती रहती है। और ज्यादा प्रश्नचित्त बनते रहते हैं। बाबा है, जो रावण दुख देने वाला है या रास्ता बताने वाला है, ये इसका अर्थ नहीं समझे। रावण एक है मूल रूप में या रावण अनेक है मूल रूप में? है, है? रावण अनेक है मूल रूप में। हाँ, जब रावण एक है वो कौन है एक? समझ माने ज्ञान और बेसमझ माने अज्ञान, अज्ञान अर्थात रावण कौन है वो? ब्रह्मा बाबा ने जिंदगी जीने का रास्ता बताया, या दुख दिया किसी को? है, किसी को दुख दिया? किसी को दुख नहीं दिया। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कहेगा कि बाबा ने हमको दुख दिया, टेढ़ी नजर से देखा।
किसको वचन बोला? या कर्मेंद्रियों से दुख दिया? कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ने बोला हो किसी को तो बताए। तो रावण भी दुख देता नहीं है, लेकिन मायावियों के चक्कर में आ जाता है। माया बेटी कहो, मायावी विधर्मी आत्माएं कहो, उन आत्माओं से प्रभावित होने के कारण कुछ न कुछ रास्ता गलत बताई देते हैं। कोई कहे रास्ता गलत कैसे बताई देते हैं? उनके द्वारा जो कुछ बोला गया वो शिव बाबा ने बोला या ब्रह्मा बाबा ने बोला? शिव बाबा ने बोला। ब्रह्मा की सोल इंटरफेयर नहीं करती थी? दूध है और दूध में एक बूंद विष डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सारा ही विष हो जाएगा। अच्छा पानी डाल दिया जाए तो दूसरे दिन फट जाएगा या नहीं फट जाएगा? फट जाएगा। इसको कहते हैं मिक्सर टी, द्वैत। एक कीमत नहीं, कितनों कीमत हो गई? द्वैत, दो दो मतें हो गई। ये द्वैत मत ही रावण की मत है। एक की मत है सुख देने वाली और द्वैत मत है दुख देने वाली। द्वैत से पैदा होते हैं दैत्य, अद्वैत से पैदा होते हैं देवता। देवताएं अद्वैत को फॉलो करते हैं और दैत्य द्वैत को फॉलो करते हैं, द्वितीय को फॉलो करते हैं, बाप को फॉलो नहीं करते। द्विति से पैदा हुए दैत्य और आदिति से पैदा हुए देवता। बाप एक ही है, शास्त्रों में उसका नाम दिया है कश्यप, पा माने पीने वाला, काशी माने याद का तेज। इसलिए रावण दुख नहीं देता है लेकिन द्वैतवाद के द्वारा दुख का रास्ता बताता है, क्योंकि भगवान की जो वाणी है उस वाणी को समझता नहीं है। शिव ने जो भी वाणी ब्रह्मा के मुख से चलाई उस वाणी के आधार पर ब्रह्मा और कृष्ण की आत्मा ने बाप के साकार पार्ट को पहचाना क्या? बाप कोई नहीं पहचाना तो द्वैतवाद के चक्कर में आएगा या नहीं आएगा? आ जाता है। हाँ जी, कश्यप और कपिल मुनि एक ही है ना बाबा? है, अलग अलग नाम दे दिए हैं, अलग अलग कथाएं कर दी हैं, बातें तो सारी संगम युग की है। और साधन पानी के नाम है भगवान।
नारंग पानी हम्म पानी हाथ को कहा जाता है और सारंग शब्द का अर्थ निकाल लो, दोनों को मिला दो, सारंग पानी का अर्थ निकल आएगा। और नाम भी पड़े हैं सारंग राव, और है धरणी, उसको कहा जाता है जो धारणा करती है, पाप को पुण्य को दोनों को धारण कर लेती है। धरणी में अकूत सहन शक्ति है, अति की सहन शक्ति है। धरणी जितना सहन करती है उतना कोई भी सहन नहीं करता है। कोई कहे ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा कहो, उर्फ कृष्ण की आत्मा कहो, वो धरणी का ही हिस्सा है, धरणी से ही जन्म लेता है या बिना धरणी के जन्म होता है? पहला पत्ता तो धरणी का कौन है? है ब्रह्मा बाबा, कृष्ण की आत्मा। और फिर ब्रह्मा के अंदर जो सहन शक्ति का पार्ट बजाया वो 63 जन्म क्यों नहीं बजाया? पहले ही ऐसा पार्ट बजा लेता तो पहले ही नई दुनिया की स्थापना हो जाती, ब्राह्मणों की पैदाइश हो जाती। नहीं, पूर्व जन्मों में शिव बाप ने प्रवेश नहीं किया था और इस अंतिम जन्म में ब्रह्मा में बाप प्रवेश करके माता का पार्ट बजाते हैं। माता का पार्ट इसलिए बजाते हैं कि यज्ञ के आदि की जो माता थी वो चली गई, तो माता को धरणी कहा जाता है, धारण करने वाली। प्रभावित होती है। पहली पहली प्रजा बनती है। राजा बनना अच्छा है या प्रजा बनना अच्छा है? राजा किसी से प्रभावित होता है क्या? है नहीं प्रभावित होता। और कलयुग अंत में तो आकर के नारी एकदम अबला बन जाती है। जैसे बल नाम की चीज ही नहीं रहती। आज बल सरकार कन्याओं माताओं के लिए बहुत प्रेफरेंस दे रही है। बड़े बड़े आरक्षण मिल रहे हैं। चाहे मिनिस्टरों की कुर्सी हो, चाहे एमपी की कुर्सी हो, एमएलए की कुर्सी हो, या नौकरियों के पद हो, अधिकारियों के बड़े बड़े पद हों, छोटे छोटे पद हों,
कितना प्रेफरेंस मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो भी पदासीन होने वाली कन्याएं माताएं हैं वो अनुभव करती हैं कि पदासीन होने के बावजूद भी उनकी सारी सत्ता उनके पति के हाथ में या पिता के हाथ में रहती है या बड़े भाई के हाथ में रहती है। गवर्नमेंट इसमें कोई चेंज नहीं कर सकती। क्या कारण है? अबला है, पुरुष प्रबल होता है, थोड़ा भी हाथ रखा और ढेर हुआ। क्योंकि देवान की बढ़ोतरी हो गई है रावण राज्य में, ये रावण का वर्षा मिला है, दुख का वर्षा सबसे जास्ती दुनिया में कन्याओं माताओं को मिला है या पुरुषों को मिला है? कन्याओं माताओं को सबसे जास्ती दुख का वर्षा मिला है। ये रावण का वर्षा है, देवान का वर्षा है। बाप आकर के आत्माभिमानी बनाते हैं, जब आत्माभिमानी बनाते हैं तो वो 63 जन्म के संस्कार बीच में आ जाते हैं। वो 63 जन्म के संस्कार रील में घूमने लग पड़ते हैं। 63 जन्मों में जहां जहां जिन जिन रावण संप्रदाय वालों के साथ पार्ट बजाया है वो आत्माएं आकर के अपना हिसाब लेती है, अरे हमसे संबंध जोड़ा है पहले हमसे तो निपटो, ऐसे कहां जा रहे हो, ऐसे हम तुमको थोड़ी शिव शक्ति बन जाने देंगे। तो देखने में आता है कन्याएं तो फिर भी ढेर की ढेर सरेंडर हो जाती हैं, माताओं को कोई छोड़ता ही नहीं। ज्ञान में चलने वालों की भी यही हालत है, बल बाप सिखाते हैं आत्मा आत्मा भाई भाई, तो भाई भाई को फ्री करो ना। कोई कहे हम कैसे फ्री करें, दुनिया में कोई ब्राह्मण ने फ्री किया हो तो हम भी कर देंगे। क्या बाप ज्ञान ही देते हैं, सैंपल सामने नहीं रखते हैं? जब सैंपल सामने रखते हैं फिर ज्ञान देते हैं तो फॉलो करना चाहिए ना। अपने फायदे का ज्ञान उठा लेंगे, जहां कड़वा दिखाई देगा वहां थू थू। आपका प्रश्न क्या था? है कन्याओं माताओं में भी कौन सी कन्या है जो सारी ब्राह्मणों की जनरेशन को और दुनिया को ज्ञान समझाने के निमित्त बन जाती है? है कौन है वो? छोटी मम्मी क्यों है अकेली, और क्यों नहीं, क्यों फर्स्ट है? है क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार एक के साथ देह अभिमान से जुटे हुए हैं, अनेकों के साथ 63 जन्मों में विभिचारिणी नहीं बनी है,
रावण संप्रदाय का संग नहीं लिया है, रावण संप्रदाय को अपना पति नहीं बनाया है, आकर्षण ही नहीं हुआ उनके साथ। क्यों नहीं हुआ? कोई कारण होगा कि नहीं होगा? वो कारण कहाँ पैदा होता है? संगम युग में पैदा होता है। संगम युग में जब से ज्ञान मिला तब से लेकर के अंत तक ये धारणा पक्की रहती है, मेरा तो एक दूसरा न कोई। तो देह अभिमानियों का संग ही नहीं किया, त्रेसठ जन्म आत्माभिमानी का संग किया, जो अंतिम 84वें जन्म में जाकर के नीचे गिरता है, और उसके जो सहयोगी हैं विशेष वो भी अंतिम 84वें जन्म में जाके नीचे गिरते हैं। उस परिवार के भांतियों का संग किया है, देह अभिमानियों का संग ही नहीं हुआ है। तो देवान कहां से आवेगा? जब देवान ही नहीं आवेगा तो विविचार कैसे हो जाएगा? आत्माभिमान रहने से अव्वल नंबर शिव शक्ति बनने का फायदा उसे मिलता है। नहीं तो लक्ष्य पूरा जीवन का होगा या नहीं होगा? एक है जगदम्बा का पाठ, इतना दुख भोगने के बावजूद भी माताओं में सबसे बड़ी माता का पाठ बजाने के बावजूद भी नारी से लक्ष्मी बनने का जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। और कन्याकुमारी का जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। वो अबला की अबला ही बनी रही और वो शिव शक्ति बन गई, लक्ष्य प्राप्त कर लिया। नारायण के साथ नारायणी बन गई। कितना जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। सिर्फ कहने की बात नहीं है, शिव शक्तियां सड़क का गेट खोलने वाली, सड़क का गेट खोलने वाली कब बनेंगी? जब नरक का दरवाजा बिल्कुल बंद कर दें। जो आंखें हैं उन आंखों से भी कोई वाइब्रेशन ऐसा न निकले, कोई अनुभव न करे कि ये नरक का दरवाजा खुला हुआ है। शेष इंद्रियों में भी इतनी पावर चाहिए। भ्रष्ट इंद्रियों का तो कहना ही क्या। और समाधान हो गया है? हाँ जी। विठोबा कमर पे हाथ क्यों रखा बाबा? विठोबा कमर पे हाथ क्यों रखा? विठल भगवान जो महाराष्ट्र में जो मानते हुए कमर में हाथ रखे खड़े रहते हैं। कौन? विठल, विठल भगवान।
देवता है महाराष्ट्र के लोग मानते हैं। तिरुपति में पंडरपुर में है, पंडरपुर शंकर जी भी कमर पर हाथ रख के खड़े हुए हो जाते हैं जब गंगा जी आती है अपना अहंकार दिखाती है, वो ही विट्ठल है। विष्णु और शंकर और तीन देवताएं मैं नहीं बोला है, वर्मा विष्णु शंकर और तीन देवताएं मैं नहीं बोला, नहीं नहीं मुख्य है। हाँ जी तो युग तो चार युग है, हाँ तो अरे ये तीन देवताओं का कनेक्शन चार युगों से क्यों लगा दिया, युग चार नहीं है पांच है, भूल गए है, भूल गए क्या? बाबा कहते हैं संगम युग भी याद बना रहे तो भी कल्याण हो जाए, संगम युग भी भूल गए। तीन देवताओं का कनेक्शन चार युगों से नहीं है उतना, विष्णु का कनेक्शन सतयुग त्रेता से है, ब्रह्मा का कनेक्शन ब्राह्मणों की दुनिया से है, और शंकर का कनेक्शन ऑलराउंड पार्ट से है। इसलिए तीन देवताएं कहे गए हैं। और ओम शांति।